नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं उनका पसंदीदा मिठाई मोदक बनाने वाली हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को देखें और इसे घर पे जरूर बनाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी बनी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कप पानी गरम करेंगे और इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाना है। इसमें एक चम्मच घी डालेंगे, तो पानी को उबलने दें। अब पानी देख रहे हैं कि उबल रहा है। इस समय हमारा एक कप पानी था तो एक कप चावल का आटा लेंगे और डाल के गैस बंद कर दीजिए और इसको मिला लीजिए। अच्छे से मिला लीजिए इसको। अब इसको ढककर 5 मिनट रख देंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। ये है पॉपी सीड्स 1 चम्मच, इसको हम ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। खसखस जिसको बोलते हैं, हो गया है। अब ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और पिस्ता लिया है, आप चाहे तो किशमिश भी ले सकते हैं। अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकती हैं। बस थोड़ा ही रोस्ट करना है। अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। और ये मैंने 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, फ्रेश है, इसको हमें थोड़ी देर चलाना है। आज या तो आप मीडियम रखें या फिर स्लो ही रखें। हाई फ्लेम मत रखिएगा। अब हम इसमें 1/2 कप गुड़ डालेंगे। और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, अच्छे से मेल्ट होने पे गुठलिया ना रहने के गुड़ की। अब
अभी गुड़ ने पानी पूरा छोड़ दिया है, तो ये पानी सूखने तक हमको चलाना है, धीमी आंच पे चलाना है। धीरे धीरे पानी सूख रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम अपना वो जो पॉप करके रखे थे खसखस का, खसखस वो डाल देंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं, मेरे पास अभी है नहीं। इलायची पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आप देख रहे हैं कि सारा पानी इसका सूख चुका है। इसे करने में मुझे 10 मिनट लगे हैं, धीमी आंच पे पकाते रहे नहीं तो ये जल सकता है। तो 10 मिनट में ये मेरा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं अपना जो मैंने आटा 5 मिनट के लिए ढक के रखा था मैंने, उसको मैं तैयार करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि आटे को मैंने 5 मिनट भाप में पकने के लिए रखा था, तो ये पक चुका है। अब हम इसे अच्छे से हाथ में घी ले लीजिए और थोड़ा पानी भी ले लीजिए। हाथ में थोड़ा घी ले लीजिए और ठंडे पानी का छिड़काव देके इसको अच्छे से गूंद लीजिए। नरम आटा गूंथना है। ध्यान रखिए कि ये बहुत गर्म है, तो ध्यान से करिएगा। देखिए इसको मैं धीरे धीरे गूंद रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा घी लेके आप डालती जाए, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा, और एक नरम आटा गूंथ लेना है। अब मेरा आटा बनके तैयार है। मेरा आटा अभी रेडी है और स्टफिंग को मैंने बराबर हिस्सों में बांट लिया है, तो करीब 8 गोले मेरे बने हैं। और बस अब हम, ये मेरा सांचा है, मैं सांचे में बनाऊंगी। आप चाहे तो हाथ में से भी बना सकते हैं, पर मैं सांचे में बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब आटे की जो है लोइयां लेंगे नींबू के बराबर। आटे की लोइयां आपके स्टफिंग के लोई से बड़ी होनी चाहिए। और इसको हम इस सांचे में इस तरह से भरेंगे। और ऐसे एक कैविटी बनाएंगे और चारों तरफ इसे ऐसे चिपकाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है परत को, नहीं तो फिर वो आटे आटे जैसा लगेगा। चारों तरफ फैलाना है, कहीं छूट ना जाए। मेरे ख्याल से ये हो गया है। अब ये जो स्टफिंग है इसको हम इसमें भरेंगे। जितना जा रहा है उतना ही भरे। अब जो ये है इसको भी हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे खोल लिया है और धीरे से निकाल लिया। देखिए कितना अच्छा मोदक रेडी हुआ है, शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इस तरह से हम बाकी के मोदक बना के रेडी कर लेंगे। मैंने 4 रेडी कर लिए हैं, ये मेरा 5वां मोदक है। तो वैसे ही बनाना है, बीच में कैविटी करना है। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए उंगली से, मैं ये 2 उंगली का यूज कर रही हूँ,
ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए दबाना है। चारों तरफ ये जो आटा है ये चला जाए ताकि निकालते समय कहीं खाली ना रहे। देखिए कैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। अब स्टफिंग डालें, कम लगे तो थोड़ा और डाल दीजिए। और ये जो इसका मुंह है ये बंद करना है। बहुत आसान है, शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा बट एक बार आप करने लगेंगे तो आराम होगा। अब धीरे धीरे इसको खोलना है, बहुत हल्के हाथ उसे खोलिएगा, एकदम से मत खोलिएगा नहीं तो ये डैमेज हो सकता है। देखिए तो इस तरह से मैंने 5 मोदक तैयार कर लिए हैं और मैंने केले के पत्ते को ग्रीस करके उसके ऊपर डाला है। इससे क्या होगा कि ये मोदक चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये चावल के आटे से बने हैं तो अगर हम केले का पत्ता नहीं डालते हैं तो वो चिपक जाएगा और केले का पत्ता तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए केले के पत्ते में मैंने डाला है। अब मैं इसे स्टीम करूंगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि स्टीम में इसको पकाना है, तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है। देखिए ये बॉईल हो रहा है और बस इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी ताकि इसके भाप से कुक हो और इसको मैं ढक दूंगी। ये देखिए मैंने इसको 15 मिनट तक स्टीम किया है। आप चेक भी कर सकती हैं, अगर आप ऐसे टच करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा और अगर ये कच्चा है तो हाथ में थोड़ा सा आटा आएगा। तो अभी ये बन के बिल्कुल रेडी है, तो मैं गैस बंद करती हूँ और इसको यहाँ से हटा लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे मोदक बने हैं, मोदक बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं अपने घर पे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। ये थोड़ा